भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वाइस चांसलर के इस्तीफे की मांग को लेकर उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन आज दोपहर करीब 1 बजे उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के 2 नंबर गेट के सामने की गई। आपको बता दें कि फर्जी PhD SSC में भ्रष्टाचार प्राथमिक TET जैसे जघन्य अपराधों में TMC नेता और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में NVP के साथ ही पाटीगरा नक्सलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आनंदमय बर्मन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्यों के द्वारा किया गया। देखिए ये उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय है और इसका जो VC वो अभी ये यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई विदेश में भागा हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि ये हमारा पश्चिम बंगाल के पूर्वतन जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, वो अभी और ED के हिफाजत में है। और जिस तरह से SSC और TET में घोटाला हुआ, इस यूनिवर्सिटी का जो VC है वो पहले और हमारा जो SSC का कमीशन है उसका चेयरमैन था, इसीलिए वो भी RK बाग कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें इनको भी दोषी ठहराया गया, इसीलिए अभी वो लापता है। इसका अभी जो बहुत जल्दी इसी का और ED का हिफाजत हो, और उसका हम ये मांग करते हैं कि ED आके इसको भी हिफाजत में ले, और बहुत सारा जो घोटाला ये हुआ है और उनका लिए ये सब वो जो साक्ष है वो साक्ष सामने आए, और यहाँ से जो ED का जो हिफाजत लेने के बाद यहाँ का जो VC है उसका भी गिरफ्तारी होना चाहिए, और उसका भी हम ये डिमांड करते हैं वो भी यहाँ से पदत्याग कर दे, ठीक है ना। দেখুন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, এখানকার VC যিনি এখানটাতে অনেক দুর্নীতি করেছেন এবং এর আগে যখন SSC চেয়ারম্যান ছিলেন সেই সময় তো অনেক দুর্নীতি করেছেন, স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হওয়া উচিত। আমরাও চাই যেভাবে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ED হেফাজত নিয়ে সমস্ত দুর্নীতি তদন্ত করছে, আমরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে সেগুলো সমস্ত তদন্ত হওয়া উচিত, এবং এখানটা যারা যারা এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত তাদেরকে আর উপযুক্ত তদন্ত করে তারা যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাদেরকে সেই শাস্তিটা দেওয়া উচিত।